Assalamu alaikum aspirants. In this video, we will discuss European history past paper 2018. So, 2018 ke past paper ke tamam question ko hum one by one discuss karenge, and you can download the PDF file by going to the video description. So, start karte hain. Hamara first question hai ke rational ideas and fear determine the course of the French revolutions in the 18th century. Discuss. अकल पर मबनी ख्यालात और खौफ ने 18 सेंचुरी में फ्रांसीसी इनकलाब के रास्ते का तयन किया. तो फ्रांसीसी इनकलाब 1789 टू 1799, इसमें फ्रांस में तब्दीली का एक अहम दौर था जिसमें रेशनल आइडियाज और इसके अलावा फेयर, इसने दोनों ने अहम किरदार अदा किया. और इसके अलावा इनलाइनमेंट के मुफक्किरीन ने आज़ादी, मसावात और भाईचारे के ख्यालात को भी फ़रोग दिया, विच इंस्पायर्ड मे टू चैलेंज द मॉनार्की. तो जिसने लोगों को बादशाहत को चैलेंज करने की तरगीब दी, और जैसे जैसे तशद्दुद और इंतहा पसंदी में इजाफा हुआ, खौफ ने भी वाकयात पर असर डाला. रेशनल आइडियाज फ्यूलिंग द रेवोल्यूशन, इनकलाब को ईंधन फराहम करने वाले अकली ख्यालात. तो रोशन ख्याली के ख्यालात की तरवीज ने फ्रांस में इनकलाबी सोच की बुनियाद फराहम की. ठीक है, इसमें अलाइनमेंट थिंकर्स थे, इसमें वॉलंटियर थे, वॉलंटियर रोसो, इसके अलावा मोंटेस्क्यू जैसे फलसफी थे. उन्होंने मुतलिक अनान बादशाहत और गैर मुनसफाना मुआशी जो स्ट्रक्चर थी और आज़ादी की कमी थी, इसके ऊपर तनकीद की. तो उन्होंने एक ऐसे मुनसफाना मुआशरे की भी वकालत की जहाँ ताकत सिर्फ बादशाह के पास हो, ना के यानी कि बादशाह के पास ताकत ना हो बल्कि उस ताकत को बांटा जाए. फिर इक्वलिटी एंड राइट्स, मसावात और हकूक. तो इनलाइनमेंट आइडियाज ने इस अकीदे को फ़रोग दिया कि हर शख्स बराबर हकूक का हकदार है, और इंसानी हकूक के इस अकली नजरिए ने भी लोगों को तब्दीली का मुतालबा करने का हौसला दिया. देन डिमांड फॉर अ न्यू सिस्टम, फिर नए निज़ाम का मुतालबा किया गया. रेशनल आइडियाज ने लोगों को पुराने निज़ाम के ऊपर सवाल उठाने और मुनसफाना कवानीन और नुमाइंदगी के ऊपर एक जमहूरी निज़ाम के मुतालबे की तरफ मायल किया. ठीक है, सो इसमें डिस्कस करते हैं कि खौफ जो था वो बतौर एक ड्राइविंग फोर्स था. खौफ ने इनकलाबियों और इसके अलावा बादशाहत दोनों के इकदाम के ऊपर असर डाले, जिससे इनकलाब को तश्कील देने वाले शदीद वाकयात रोनुमा हुए. नेक्स्ट पॉइंट है यानी कि जबर का खौफ. आवाम की बादशाहत जो है वो लुईस सोल्वे की फौज यानी फौजों के दबाव का खौफ था, जो कि शाही मंसूबों की अफवाहों ने खौफ और रास फैला दिया और पेश किए हमलों, जैसे कि बेस्टाइल इसके किले के ऊपर हमले की ये वजह बना. उसके बाद फेयर अमंग नोबेलिटी, तो इनकलाब के दौरान जो कि रहनुमा थे, सॉरी हम डिस्कस कर रहे हैं रेन ऑफ टेरर, दौरे दहशत, यानी इनकलाब के दौरान जो रहनुमा थे वो एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे थे इस गद्दारी के खौफ ने. तो 1793 से 1794 तक की जो यानी कि दौरे दहशत का ये दौर था, इसको जन्म दिया था, जिसमें हज़ारों अफराद जिनके अंदर साबिक इनकलाबी भी शामिल थे, इनकलाब के तहफ़ के लिए वो कत्ल कर दिए गए थे. उसके बाद अशराफिया उलमा ने मराद के नुकसान से खौफजदा होकर वो या तो फरार हो गए या फिर इनकलाब की मुखालफत करने लगे थे, जिससे कशीदगी में भी इजाफा हुआ और इनकलाबियों की जानब से सख्त इकदाम का जवाब बना. देन बैलेंस ऑफ द रेशनल आइडियाज एंड फेयर, तो रेशनल आइडियाज और फेयर एक दूसरे से मुतासर हुए, एक दूसरे के असर में रहे, यानी कि रेशनल आइडियाज ने अकेले इनकलाब को बरकरार नहीं यानी कि रख सकते थे. तो इसकी वजह से खौफ ने यानी कि जो रोबेस्पियर थे जैसे रहनुमा थे, उनको मजीद इंतहा पसंदाना मौकफ अपनाने के ऊपर मजबूर कर दिया था, जिन्होंने ये दावा किया कि इनकलाबी नजरियात के तहफ़ के लिए इकदाम जो हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं. देन इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, फिर यानी कि इदाराती तब्दीलियाँ आई जहाँ पर रेशनल आइडियाज ने नए कवानीन और निज़ामों की को बनाने में तश्कील देने में मदद दी, और वहीं खौफ पर मबनी इकदाम ने अक्सर स्टेबिलिटी को भी नुकसान पहुंचाया, जिससे इन कोतों के दरमियान पेचीदा तवन का मुजाहरा हुआ. तो उसके बाद है कि फ्रांसीसी इनकलाब की तश्कील में अकल पर मबनी ख्यालात और खौफ दोनों का किरदार था. तो इनलाइनमेंट के नज़रियात ने इस तहरीक को तहरीक दी, लेकिन खौफ और शबहात ने इसकी ज़्यादातर तशद्दुद और इंतहा पसंदी को जन्म दिया. तो टुगेदर दीज फोर्सेस ब्रॉट अबाउट लास्टिंग चेंजेस बट एट अ हाई कॉस्ट, इन कोतों ने यानी कि साथ मिलकर देर पर तब्दीलियाँ लाई लेकिन एक भारी कीमत के ऊपर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द नेपोलियन बोनापार्ट होम पॉलिसी ऑन द फ्रेंच सोसाइटी, नेपोलियन बोनापार्ट अवल की दाखिली पॉलिसियों का फ्रांसीसी मुआशरे के ऊपर असर क्या था. तो इसमें हम डिस्कस करते हैं उसके सियासी असलाहत को. तो नेपोलियन की पॉलिसियों का मकसद क्या था, इनकलाब के बाद फ्रांस में मजबूत और मरकजी हुकूमत कायम करना और स्टेबिलिटी लाना. ठीक है,
दूसरा इसका मरकजी इख्तियार है कि नेपोलियन ने मरकजी हुकूमत के इख्तियार को मजबूत किया और इलाकाई हुकाम के असर रसूख को कम कर दिया। ठीक है, इससे फ्रांस में इतिहाद पैदा हुआ लेकिन मकाम खुद मुख्तारी महदूद हो गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं उसके नेपोलियन कोड को, यानी कि नेपोलियन का जब्ता। नेपोलियन की जो सबसे लास्टिंग रिफॉर्म्स है, पायदार असलाहत है, उनमें से एक नेपोलियन कोड है 1804, तो इस जिसने वाजे और मुस्तकिल जो कवानीन थे वो कायम किए थे और इस जब्ते ने कानून के सामने बराबरी को यकीनी बनाया था। तो इसके अलावा जो इसमें निजी यानी जायदादें थी उनका तहफ़ किया गया, शहरियों के आज़ादियों का तहफ़ किया गया और इसके अलावा ख़वातीन के हकूक को इसमें महदूद रखा गया। तो खानदानों में जो खानदानों के अंदर यानी के पदरदाना इकतदार थे उनको भी बरकरार रखा गया। और उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसीज, इक्तसादी पॉलिसियाँ क्या थी, नेपोलियन की इक्तसादी पॉलिसियों का मकसद क्या था कि इनकलाब के बाद स्टेबिलिटी के जो इंस्टेबिलिटी है इसके दौर में फ्रांसीसी मईशत को स्टेबल किया जाए और उसे फ़रोग दिया जाए। और उसके बाद फ्रांस का बैंक, नेपोलियन ने करंसी को मुस्तहकम करने में और अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए बैंक ऑफ फ्रांस कायम किया और उनके इस इकदाम से मईशत पर एतमाद में इजाफा हुआ और कारोबार भी बढ़ने लगा था। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिस्कस करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की नेपोलियन के दौर में कैसे हुई थी, तो इसने सड़कों, पुलों और बंदरगाहों में सरमायाकारी की थी जिससे फिर तिजारत और ट्रांसपोर्टेशन में बेहतरी आई थी। फिर इससे न सिर्फ मईशत को फरोग मिला था बल्कि रोजगार के मौके भी पैदा हुए थे जिसका फायदा निचले और दरमियाने तबके को हुआ था। उसके बाद हम उनके एजुकेशनल रिफॉर्म देख लेते हैं कि तालीमी असलाहत क्या की गई। तो नेपोलियन ने माशर्ती और अफरादी कुत को मजबूत बनाने के लिए तालीम की अहमियत को तस्लीम किया। रियासत के जेर इंतजाम तालीम थी, यानी नेपोलियन ने रियासी कंट्रोल में तालीम का निज़ाम इंट्रोड्यूस करवाया जिसमें प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल और लड़कों के लिए खसूसी इदारे बनाए गए जैसे कि लेस कायम किए गए थे। इससे फिर असलाह से एक मायर इंतजामी तबका पैदा हुआ लेकिन लड़कियों को की जो तालीम थी उसको महदूद रखा गया था। दैन मेरिट बेस्ड अपॉर्चुनिटीज़, फिर मेरिट के ऊपर मजहबी मौके थे कि तालीमी असलाहत ने मेहनत और सलाहियत की हौसला अफजाई की और शहरीों को सलाहियत की बुनियाद के ऊपर तरक्की के मौके फराहम किए। तो इस निज़ाम ने दरमियानी तबके की अपील और इसके अलावा समाजी रुकावटों को भी काम किया। देन रिलीजियस पॉलिसीज, मजहबी पॉलिसियाँ, तो नेपोलियन ने रियासत और चर्च के ताल्लुकात को मुतवाजन बनाकर कशीदगी को कम करने की कोशिश की। उसके बाद 1801 का कॉनकॉर्ड डेट, तो इसने कैथोलिक चर्च के साथ कॉनकॉर्ड डेट ने चर्च के कुछ यानी के असर रसों को बहाल किया लेकिन उसे रियासत के जेर कंट्रोल रखा गया और इससे मजहबी शहरियों को यकीन दहानी मिली और बसों के जो कशमकश थे उसके बाद फ्रांस में स्टेबिलिटी पैदा हुई। रिलीजियस टॉलरेंस, मजहबी रवादारी, तो इस कॉनकॉर्ड डेट ने कैथोलिक मजहब को मरकजी मजहब के तौर पर तस्लीम किया था लेकिन नेपोलियन ने प्रोटेस्टेंट्स और यहूदियों के लिए मजहबी आज़ादी की इजाज़त दी जिससे मुस्लिम कम्यूनिटीज़ के दरमियान जो है वो यानी कि सोशल हारमोनी प्रोड्यूस हुई। उसके बाद सोशल इम्पैक्ट एंड लेगेसी, मुआशरती असरात और विरासत, तो नेपोलियन की पॉलिसियों ने फ्रांसीसी मुआशरे के ऊपर काफ़ी असरात मुरतब किए और उनकी हुक्मरानी के बाद भी फ्रांस के ऊपर यह असरानंदाज होती है सोशल मोबिलिटी। तो इसके अलावा नेपोलियन के मेरिट के ऊपर जो मबनी निज़ाम था इसने किसी भी समाजी पस मंज़र से ताल्लुक रखने वाले बासलाहियत अफराद को हुकूमत और फौज में अहदे हासिल करने का मौका दिया था। सो इंस्पायरिंग एम्बिशंस एंड लॉयल्टी अमंग सिटीजन, जिससे शहरी में अज़ायम और वफादारी की हौसला अफजाई हुई। उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्फ्लुएंस, यानी नेपोलियन कोड और मरकजी हुकूमत के असलाहत ने जदीद फ्रांसीसी कानून और इंतजामे की बुनियादें रखी जिसके बहुत से पहलू आज भी राइज हैं। सो कंक्लूड करते हैं कि नेपोलियन की दाखिली पॉलिसियों ने फ्रांस के मुआशरती निज़ाम में इस्तेहकाम, कारकर्दगी और असलाहत लेकर आई और बाज़ औक़ात इनसे जो लिमिटेशन भी कायम हुई कि खासतौर पर ख़वातीन और मकामी हुकूमतों के हवाले से, लेकिन इनकी जो विरासत थी वो फ्रांसीसी समाजी और कानूनी निज़ाम के ऊपर आज भी असर अंदाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू आर्ग्यू दैट लेसंस कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम द यूरोपियन रिवॉल्यूशंस इन 1830 एंड 40 एज हिस्टोरिकल प्रोसेस इज स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। आप ये कैसे साबित करेंगे कि 1830 और 1840 की दहाइयों के यूरोपियन इंकलाबात से सबक नहीं लिया जा सकता क्योंकि तारीखी अमल मखसूस से अगर सबक से जुड़ा होता है। तो यूनिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, हर इंकलाब जो है वो अपनी मुनफरद तारीखी समाजी और सियासी सूरत हाल से मुतासर होता है, ठीक है, जिससे इसबाक को अमूमी बनाना जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसके मुख्तलिफ असबाब को डिस्कस करते हैं। 1830 और 1840 की दहाइयों के यूरोपीय इंकलाबात जो थे वो मखसूस मसाइल जैसे बढ़ते हुए कौम परस्ती, डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस
और इक़्तिसादी मुश्किलात की वजह से पैदा हुए थे। तो ये मसाइल हर मुल्क में मुख्तलिफ थे और हर कौम की तारीख, सकाफत और क़यादत से मुतासिर थे। स्पेसिफिक सोशल स्ट्रक्चर, उसके बाद मखसूस समाजी ढांचे हैं। तो ये रेवोल्यूशन मखसूस समाजी स्ट्रक्चर और तनाजात वाले माशरों में हुए थे जो इस वक्त के यूरोपी सियासी मंजरनामे से खास थे। सो अप्लाइंग दिस सिचुएशन टू अदर कॉन्टेक्स्ट इग्नोर द यूनिक एलिमेंट्स दैट फ्यूल्ड ईच इवेंट, यानी इन हालात को बाकी सियाकों से बाग में लागू करना, इन मुनफरद एलिमेंट्स को नज़रअंदाज करना है जिन्होंने हर वाक्य को तकवीत दी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंट गोल्स एंड आउटकम। तो इन जो ये जो यानी कि वेरिड ऑब्जेक्टिव्स और आउटकम्स थे, ये जाहिर करते हैं कि जो लेसन पेश करते हैं वो आलमी सतह के ऊपर लागू नहीं हो सकते। उसके बाद इसमें कॉन्ट्रास्टिंग गोल्स ये हैं कि कुछ इनकलाबात जो हैं वो कौमी आज़ादी के लिए थे, जैसे पोलैंड और इटली है, और इसके अलावा बाकी ने लिबरल आइनों के लिए जदोजहद की जिसमें फ्रांस और जर्मन रियासतें हैं। तो इस तरह के जो यानी डावास गोल्स हैं वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि हर तहरीक की मुनफरद तहरीकात थी और जिसे किसी एक लेसन को ड्राइव करना जो है वो कम्प्लेक्स हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। अनप्रिडिक्टेबल आउटकम, गैर मुतवक्का नतायज क्या थे। तो कुछ बगावतें मुख्तसर मुद्दत के लिए कामयाब हुई थी जबकि दीगर जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई थी, या उनके नतीजे में पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी जगहों के ऊपर आमराना क्रैक डाउन हुए थे। तो ये जो डिफरेंट आउटकम्स हैं ये जाहिर करते हैं कि इनकलाबात किसी जो है वो पेश बीने के काबिल या फिर आलमगीर नमूने की पैरवी नहीं करते होते, बल्कि हर नतीजा जो है वो मकामी अवामिल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है चेंजिंग पोलिटिकल कंडीशन, बदलते हुए सियासी हालात। तो सियासी मंजरनामे वक्त के साथ बदलते रहते हैं, जिससे एक दूर से दौर तक जो काज को जो यानी कि असबाक हैं उनको लागू करना मुश्किल हो जाता है। डिफरेंट गवर्नेंस स्ट्रक्चर मुख्तलिफ हुकूमती स्ट्रक्चर है कि 19वीं सेंचुरी के यूरोपीय रियासतों में बादशाहतें या फिर सल्तनतें थी जो कि जदीद जमहूरी या जमहूरी निज़ामों से बहुत मुख्तलिफ थी। ठीक है, और बादशाहों के खिलाफ बगावतों से मिलने वाले लेसन मौजूदा सियासी निज़ामों में दरपेश चैलेंजेस के साथ हम आगे नहीं हो सकते। देन इवॉल्विंग इकोनॉमिक एंड सोशल इशूज, फिर इक़्तिसादी और समाजी मसाइल का अर्तका हुआ। तो 1830 और 1840 के जो रेवोल्यूशन थे, इनका इनकलाबात थे, इनके इब्तदाई सनती इनकलाबात और तफायती जदोजहद से ये मुतासर थे, और मॉडर्न सोसाइटीज जो थी वो मुख्तलिफ यानी कि इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस के जैसे मसाइल का सामना करते थे, जैसे कि टेक्नोलॉजी से मुतलक मसाइल हैं या फिर आलमी इक़्तिसादी खदशात हैं जो मुख्तलिफ यानी सोलूशन का तकाजा करते हैं। कल्चरल एंड नेशनल डिफरेंसेस, नेक्स्ट पॉइंट सकाफती और कौमी इख्तलाफात हैं। तो सकाफती और कौमी इख्तलाफात जो हैं वो तारीखी लेसन को बड़ी सतह के ऊपर लागू करना मुश्किल बना देते हैं। डिस्टिंक्ट नेशनल आइडेंटिटीज, तो इसके अंदर जो 19वीं सेंचुरी है उसके यूरोपीय ममालिक मजबूत कौमी शनाख्तों से भरपूर थे जिसने इनकलाबात को मुख्तलिफ अंदाज में मुतासर किया और इन वाक़ियात को अमूमी बनाने की जो कोशिश है उनके सकाफती खसूसियात को नज़रअंदाज करती है जो हर इनकलाब को खासतौर पर शक्ल देती है। सो यूरोपीय इनकलाबात में मजहब और सकाफती रवायात ने अवामी राय और इनकलाबी हुकूमत अमली में अहम किरदार अदा किया और मुख्तलिफ को यानी कि कॉन्टेक्स में बाकी जो माशरती अनासर थे वो ज़्यादा अहम हो सकते हैं जिसे इन तारीखी वाक़ियात के मुताबिक महदूद हो जाती है। सो 1830 और 1840 के यूरोपीय इनकलाबात जो हैं वो इंसानी रवैये और सियासी तब्दीली में कीमती बसीरत फराम करते हैं। देयर लेसंस आर टाइड टू यूनिक कॉन्टेक्स्ट एंड कैन नॉट बी यूनिवर्सली अप्लाइड। सो इस तरह से जो इसके इसबाक हैं मखसूस कॉन्टेक्स्ट से जुड़े हैं और इन्हें आलमी सतह के ऊपर लागू नहीं किया जा सकता। इन ईच रेवोल्यूशन वाज शेप्ड बाय स्पेसिफिक हिस्ट्रिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर एंड कल्चरल वैल्यूज दैट आर नॉट नेसेसरी रेलेवेंट इन डिफरेंट टाइम्स एंड प्लेसेस। सियासी स्ट्रक्चर और सकाफती इकदार की तश्कील जो है इसने हर इनकलाब को मखसूस तारीखी हालात और सियासी स्ट्रक्चर और सकाफती इकदार ने तश्कील दिया है जो मुख्तलिफ औकात और जगहों के ऊपर यानी कि लाजमी तौर पर लागू नहीं होते। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड्स ऑफ द सिंबल्स वर यूज्ड बाय द मूवमेंट्स फॉर यूनाइटिंग जर्मनी एंड इटली इन द 19वीं सेंचुरी, 19वीं सदी में जर्मनी और इटली को मुतहद करने की तहरीकों में किन इकसाम के अलामती निशानात इस्तेमाल किए गए। तो इसमें हम डिस्कस करते हैं सिंबल्स यूज्ड इन मूवमेंट्स फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली इन 19वीं सेंचुरी। नेशनल सिंबल्स को का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 19वीं सदी में जर्मनी और इटली को मुतहद करने की तहरीकों के दौरान अलामती निशानात ने लोगों में इतिहाद और हुब्बुल वतनी के जज्बात पैदा करने में अहम किरदार अदा किया था। ठीक है, और रहनुमाओं और इनकलाबियों ने मुख्तलिफ तस्वीर और निशानियाँ इस्तेमाल की ताकि एक मुतहद कौम का
कॉन्सेप्ट पेश किया जा सके और लोगों को एक मुश्तरक मकसद के पीछे इकट्ठा किया जा सके। देन जर्मन यूनिफिकेशन सिंबल, जर्मनी के इतिहाद की अलामतें क्या थी? जर्मन इतिहाद की तहरीक की क्यादत ओटो वॉन बिस्मार्क जैसे रहनुमाओं ने की और इसमें ऐसी निशानियां इस्तेमाल की गई जिन्होंने एक मजबूत और मुतहद जर्मनी को जाहिर किया। उसके बाद इसमें है आयरन क्रॉस, यानी आयरन क्रॉस एक अहम फौजी अलामत बन गया था जो जर्मन ताकत बहादुर इतिहाद की नुमाइंदगी करता था। उसके बाद ब्लैक रेड गोल्ड फ्लैग, स्याह सुर्ख और सुनहरी परचम था। स्याह सुर्ख और सुनहरी रंग जो था वो जर्मन कॉन्फेडरेशन के परचम के अंदर इस्तेमाल किया गया था जो एक मुतहद जर्मनी के तस्वर को भी जाहिर करते हैं और ये फ्लैग बाद में जर्मनी का जो है वो कौमी नेशनल फ्लैग बन गया था। उसके बाद जो है जर्मीनिया यानी एक औरत के रूप में जर्मनी की नुमाइंदा अलामत थी जिसे अक्सर यानी के जो है वो बख्तर पहने देखा जाता था जो जर्मन आवाम की कुव्वत और इतिहाद की अलामत थी। देन इटालियन यूनिफिकेशन सिंबल, फिर इटली के इतिहाद की अलामतें हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी थी। तो इटली का इतिहाद जो था जिसको कहा जाता है यानी के रिसावर जेमिनेटो, रिसोर जेमिनेटो इस इतिहाद को कहा जाता है जो कि इटली का इतिहाद है। तो ऐसी तहरीक थी ये इतिहाद जिसकी क्यादत जो है वो जोसे ग्रेबाल्डी काउंट केवर और उसके बाद माजिनी जैसे रहनुमाओं ने की थी। तो इन्होंने मुख्तलिफ सिंबल्स यूज की थी ताकि एक मुत्तहिद इटली की नुमाइंदगी की जा सके। उसके बाद इसमें है कि इटालियन ट्राई कलर फ्लैग था जिसके अंदर ग्रीन वाइट और रेड यानी कि ट्राई कलर ये फ्लैग था। तो ये मुत्तहिद इटली के ख्वाब की एक अलामत था और हर रंग जो है वो मुख्तलिफ इलाकों की नुमाइंदगी करता था जो एक कौम के तौर पर मुत्तहिद हो रहे थे। देन यंग इटली एम्बलम, उसके बाद है यानी कि यंग इटली का निशान था। तो यंग इटली तंजीम जिसकी बुनियाद जो है वो जोसेफ माजिनी ने रखी थी उसने आज़ादी और इतिहाद की अलामतें इस्तेमाल की जो अक्सर मुत्तहिद इटली के तस्वर को रिफ्लेक्ट भी करती हैं। उसके बाद हम रोल ऑफ नेशनल सिंबल्स इन यूनिफिकेशन यानी कि इनका यानी कि किरदार देखते हैं इतिहाद में कौमी अलामतों का किरदार क्या था। तो ये जो अलामतें थी ये जर्मनी और इटली के यानी के अवाम के लिए जो एक यानी के इटली के अवाम के लिए एक इतिहाद का ताकतवर जरिया साबित हुई थी क्योंकि इनसे मुख्तलिफ इलाकों के लोगों में मुश्तरक शनाख्त का एहसास पैदा हुआ था। तो इस तरह से इन अलामतों ने लोगों को एक ही कौम का हिस्सा महसूस करने में मदद दी। तो कंक्लूड करते हैं कि परचमों निशानों और इसके अलावा जो इसमें यानी मुजस्म अलामतें थी इस तरह के निशानात ने जर्मनी और इटली के इतिहाद में अहम किरदार अदा किया। एंड दे यूनिफाइड पीपल इमोशंस एंड आइडेंटिफाइड फीलिंग द ड्राइव फॉर अ सिंगल यूनाइटेड नेशन। तो इस तरह से उनके जरिए अवाम के जज्बात और शनाख्त को मुतहद किया गया जिससे एक मुतहद कौम के क्याम की तहरीक को तकवीत मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द ग्रेट डिप्रेशन इन द 1930 इफेक्ट सोसाइटीज एंड कल्चर्स इन यूरोप। 1930 की दहाई में अजीम यानी कि ग्रेट डिप्रेशन ने यूरोपीय माशरों और सकाफतों के ऊपर किस तरह असर डाला? तो 1930 की दहाई में यूरोपीय माशरों और सकाफतों के ऊपर जो इसके असरात थे उनको हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रेट डिप्रेशन एक शदीद आलमी माशी बहरान था जो कि 1929 में शुरू हुआ था और 1930 की दहाई तक जारी रहा था और इसका असर जो था इसका इम्पैक्ट जो था वो पूरी दुनिया के ऊपर महसूस किया गया था। लेकिन यूरोप जो पहली जंग अजीम से भागने की कोशिश कर रहा था खास तौर पर इससे वो मुतासर हुआ। अब इसमें इकोनॉमिक इफेक्ट्स क्या थे? माशी असरात के माशी बहरान ने यूरोप में सख्त मुश्किल पैदा की, बेरोजगारी में इजाफा हुआ, लाखों लोग अपनी नौकरियों से हाथ धो बैठे जब कारखाने और कारोबार बंद हो गए जिसके नतीजे में गुर्बत में इजाफा हुआ। उसके बाद इसमें तिजारत में भी कमी आई यानी यूरोपीय ममालिक को बैन अक्वामी तिजारत में कमी का सामना करना पड़ा जिससे मुआशी बहरान को यानी मजीद इसने मुआशी बहरान को बिगाड़ दिया और ज्यादा लोगों को बेरोजगार किया। उसके बाद इसमें इफेक्ट है बैंकिंग क्राइसिस का कि बहुत से बैंक नाकाम हो गए जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जो यानी कि बचत थी वो खो दी थी जिससे मुआशी और समाजी मुश्किल में इजाफा हो गया था। उसके बाद हम इसके सोशल इफेक्ट को समाजी असरात को डिस्कस करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन ने आम लोगों की जिंदगियों के ऊपर शदीद दबाव डाला था, इसने गुर्बत में इजाफा किया, बहुत से खानदानों को खुराक रिहाइश और कपड़ों जैसी बुनियादी जरूरत पूरी करने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसके बाद माइग्रेशन फॉर वर्क, बेरोजगारी की वजह से लोग नौकरी की तलाश में दूसरे इलाकों या फिर ममालिक में हिजरत करने लगे थे जिससे कम्युनिटी और खानदानी स्ट्रक्चर में एक यानी कि खला पैदा हो गया। उसके बाद यानी कि लोगों की बेघरी में इजाफा हो गया था, नौकरों की कमी हुई और कम आमदनी की वजह से
जो है बेघरी में इजाफा हुआ, खासतौर पर शहरी इलाकों के अंदर। कल्चरल और पॉलिटिकल चेंजेस भी आई, यानी इस ग्रेट डिप्रेशन की वजह से सकाफती और सियासी तब्दीलियाँ क्या थीं। ग्रेट डिप्रेशन के मुआशी मुश्किल ने यूरोपी सकाफत और सियासत को भी मुतासर किया था। इतहा पसंद तहरीकों का रूज हुआ, यानी कि लोग जो थे वो मुआशी मसाइल के हल के वादे करने वाले इतहा पसंद सियासी तहरीकों जैसे फाशिज्म नाजियत इसकी हमायत करने लगे थे, और इस रुझान ने अमराना हुकूमतों के रूज में भी हिस्सा डाला। चेंजेस इन आर्ट एंड लिटरेचर, उसके बाद फन और अदब में तब्दीलियाँ आई। फनकारों और मुसनफी ने मसाइब गुरबत और समाजी नाइंसाफी के मौजूद को पेश किया था जो इन मुश्किल वक्तों को रिफ्लेक्ट करते हैं, उनकी अक्कासी करते हैं। देन पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, मैनी यूरोपियंस लॉस्ट फेथ इन ट्रेडिशनल पॉलिटिकल सिस्टम लीडिंग टू रेडिकल चेंजेस इन लीडरशिप एंड गवर्नेंस अक्रॉस द कंट्री। फिर इस तरह से हुकूमतों के ऊपर अवामी अदम एतमाद पैदा हुआ। बहुत से यूरोपीय बाशिंदों ने रवायती सियासी निज़ामों के ऊपर एतमाद खो दिया, जिसकी वजह से क़यादत और हुकूमत में बड़ी सतह के ऊपर तब्दीलियाँ आई। सो कंक्लूड करते हैं ग्रेट डिप्रेशन के असरात को, कि ग्रेट डिप्रेशन के यूरोपीय मौसमों पर वसी असरात मरतब हुए, जिनमें मौसी मुश्किल थी, समाजी जदोजहद थी, सियासी तब्दीलियाँ इसमें शामिल थी। सो दीज इफेक्ट्स कंट्रीब्यूट टू द सोशल कंडीशन दैट इवेंचुअली लीड टू वर्ल्ड वार टू। इन असरात ने ऐसे समाजी हालात को जन्म दिया जो दूसरी जंग अजीम की राह हमार करने में मददगार साबित हुए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कैपिटलिस्ट ट्रेंड्स प्रमोटेड द आइडियोलॉजीज ऑफ द सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म इन 20वीं सदी वेस्टर्न यूरोप। डिस्कस, 20वीं सदी में मगरबी यूरोप में सरमायेदाराना रुझानात ने सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म के नजरियात को किस तरह से फरोग दिया। तो डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन टू कैपिटलिज्म, सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म। तो 20वीं सदी में मगरबी यूरोप में सरमायादारी के फरोग की वजह से इक्तसादी और समाजी तब्दीलियाँ देखने को मिली थी। एंड दिस इकोनॉमिक मॉडल बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप एंड फ्री मार्केट्स इन्फ्लुएंस्ड आइडियोलॉजीज लाइक सेकुलरिज्म, सेपरेशन ऑफ द रिलीजन फ्रॉम पब्लिक लाइफ, लिबरलिज्म एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी। यानी कि इसकी सरमायादारी की वजह से इक्तसादी और समाजी तब्दीलियाँ आईं, तो इस मुआशी मॉडल जो ज़ाती मलकियत और आज़ाद मार्केट्स के ऊपर मबनी था, इसने सेकुलरिज्म यानी मजहब को अवामी नुमाइंदगी से अलहदा रखने और लिबरलिज्म यानी इनफरादी आज़ादी और मसावत पर जोर देने जैसे नज़रियात को फ़रोग दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कैपिटलिज्म एंड द ग्रोथ ऑफ द सेकुलरिज्म, सरमायादारी और सेकुलरिज्म का फ़रोग। तो जिस तरह से सरमायादारी निज़ाम के फैलाव के साथ साथ सेकुलरिज्म भी यूरोपीय मौसम में मजबूत होता गया था। फोकस ऑन इकोनॉमिक प्रोग्रेस, मौसी तरक्की के ऊपर तवज्जो दी गई। सनत टेक्नोलॉजी और मार्केट पर मबनी तरक्की के ऊपर जोर दिया जाने लगा, जिससे मजहबी इकदार के बजाय अमली जो मुआशी हदाफ थे उसके ऊपर तवज्जो जो थी वह मरकोज होने लगी थी। देन डिक्लाइन ऑफ द चर्च इन्फ्लुएंस, फिर इस सरमायेदाराना इकदार ने वैल्यूज ने एक ज्यादा अनफरादियत पसंद माशरे को फरोग दिया था। ठीक है, वेयर पर्सनल बिलीव्स वर ऑफन सीन एज सेपरेट फ्रॉम पब्लिक लाइफ, यहाँ ज़ाती अकायद को अवामी जिंदगी से अक्सर अलहदा समझा जाने लगा था, जिसके नतीजे में चर्च की ताकत कमजोर हो गई थी। उसके बाद राइज ऑफ द साइंटिफिक थिंकिंग, साइंसी सोच का अरूज हुआ। तो सरमायादाराना जो तरक्की थी इसने साइंस और जिद्दत के ऊपर जो मबनी थी, तो जिसने लोगों को एक ज्यादा सेकुलर और अमली नुक्ता नजर अपनाने की तरगीब दी। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं कैपिटलिज्म एंड द प्रमोशन ऑफ द लिबरलिज्म। तो सरमायादाराना मुआशरों में आज़ादी मसावत और इसके अलावा इनफरादी हकूक जो थे जैसे लिबरल इकदार थे उनको भरपूर पजीराई मिली थी। एम्फसाइज ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, सरमायादारी लोगों को मुआशी फैसला करने की आज़ादी देती है, जो कि लिबरल नज़रियात के मुताबिक अनफरादी हकूक और ज़ाती खुद मुख्तारी से हम आहंग है। स्पोर्ट फॉर डेमोक्रेसी, लिबरलिज्म जो कि जमहूरी हुक्मरानी को अहमियत देता है, ये सरमायादारी के साथ फ़रोग पाया क्योंकि लोगों ने सियासी हकूक और हुकूमत में मुनसिफाना नुमाइंदगी का मुतालबा किया। एक्सपेंशन ऑफ द सोशल पॉलिसी, फिर समाजी पॉलिसियों की तौसीह हुई। इक्तसादी तरक्की के साथ हुकूमतों ने अनफरादी हकूक के तहफ्फुज़ के लिए समाजी पॉलिसियाँ इंट्रोड्यूस करवाई जो लिबरल नज़रियात जैसे मसावी वाक़ और समाजी इंसाफ की हमायत करती थी। तो 20वीं सदी में मगरबी यूरोप में सरमायादारी के फैलाव ने सेकुलरिज्म को फ़रोग दिया, जिससे मजहबी इन्फ्लुएंस कम हुआ और लिबरलिज्म को फ़रोग मिला। फिर जिससे क्या हुआ कि इनफरादी आज़ादी और जमहूरी इकदार को तकवीत मिली। एंड दीज आइडियोलॉजीज रीशेप्ड यूरोपियन सोसाइटीज लीडिंग टू मोर सेकुलर एंड लिबरल कल्चर। फिर इन नज़रियात ने यूरोपीय मौसम को तब्दील करके एक ज़्यादा सेकुलर और लिबरल सकाफत को परवान चढ़ाया। तो लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ डिड वायलेंस एंड कम्युनिस्ट आइडियाज शेप द इवेंट्स कल्मिनेटिंग इन आउटब्रेक ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ द 1917। के 1917 में रूसी इनकलाब के आगाज में तशद्दुद और कम्युनिस्ट ख्यालात ने वाकयात को किस तरह से तश्कील दिया।
सो इंट्रोडक्शन टू द रशियन रेवोल्यूशन 1917 का रूसी इंकलाब वाज अ मेजर इवेंट जिसके नतीजे में बादशाहत का खात्मा हुआ और एक कम्युनिस्ट हुकूमत का क्याम अमल में आया था। ठीक है, तो ये बड़ी सतह के ऊपर अदम इत्मीनान तशद्दुद के बगावत और इसके अलावा कम्युनिस्ट ख्याल के फैलाव से मुतासर था। अब हम डिस्कस करते हैं इसके इक्तसादी मुश्किल और सोशल अनरेस्ट को। तो पुराने जो समाजी इक्तसादी मसाइल थे जिन्हें रूसी अवाम में गुस्से को जन्म दिया था, पुअर वर्किंग कंडीशन जिन्हें मेहनत कशों के हालात बहुत ख़राब थे, तो सख्त हालात थे, उनके कम तनख्वाहें थीं, कम मुलाजमत की सिक्योरिटी का सामना करना पड़ा जिसकी वजह से एहतजाज और हड़तालें बढ़ने लगी थी। उसके बाद लैंड इनइक्वालिटी थी, यानी किसान जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा बनाते थे ज़मीन की कमी और गुर्बत का शिकार थे, जिसने हुकूमत के अशराफे के खिलाफ जो है वो रंजिश को बढ़ावा दिया था। कम्युनिस्ट ख्यालात का असर क्या था, इन्फ्लुएंस ऑफ द कम्युनिस्ट आइडियाज। तो कम्युनिस्ट आइडियाज खासतौर पर कार्ल मार्क्स के नज़रियात लोगों को एक मसावी समाज का मुतालबा करने के वो ऊपर उभार रहे थे। बराबरी का वादा किया गया, कम्युनिज्म में ने एक बेतबकाती मुआशरे का कॉन्सेप्ट पेश किया था जहाँ के दौलत और ताकत बांटी जाएगी जो गरीबों और मेहनत के तबके के लिए जो है वो एक यानी कि कशिश रखता था। देन रोल ऑफ द बोल्शेविक पार्टी, फिर इसमें बोल्शेविक पार्टी का किरदार क्या था। व्लादिमीर लेनिन की क्यादत में बोल्शेविक पार्टी ने कम्युनिस्ट ख्यालात को फैलाया और मेहनत कशों और किसानों को हुकूमती तबकात के खिलाफ उठने की दावत दी। देन हम डिस्कस करते हैं इसकी एस्केलेशन ऑफ द वायलेंस, तशद्दुद में इजाफा हुआ। तशद्दुद जो था वो तब्दीली का एक जरिया बन गया जिसके नतीजे में हड़तालें, एहतजाज और मसला तसादम बढ़ने लगा था। उसके बाद ब्लडी संडे यानी खूनी इतवार 1905 में फौजियों ने पुरअमन मुजाहरीन के ऊपर फायरिंग की जिसने अवाम में गम गुस्सा पैदा किया और इनकलाबी ख्याल के लिए हमायत बढ़ाई। उसके बाद फौजी बगावतें हुई और हड़तालें की गई। जैसे जैसे हालात भी घटते गए फौजी और मजदूर जो है वो इनकलाबी तहरीक में शामिल होने लगे जिसके नतीजे में बड़ी सतह के ऊपर बेचैनी और तशद्दुद के तसादम भी पैदा हुआ। सो वायलेंस एंड कम्युनिस्ट आइडियाज प्लेड अ क्रूशियल रोल इन ड्राइविंग द रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। कम्युनिस्ट आइडियाज इंस्पायर्ड द विजन ऑफ द फेडरल सोसाइटी वायलेंस एक्सेलरेटेड द फॉल ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट पेविंग द वे फॉर कम्युनिस्ट स्टेट। तशद्दुद और कम्युनिस्ट ख्यालात ने 1917 के रूसी इंकलाब में अहम किरदार अदा किया। ठीक है, कम्युनिस्ट नज़रियात ने एक इंसाफ पसंद समाज का कॉन्सेप्ट दिया जबकि तशद्दुद ने मौजूदा हुकूमत के जवाल को तेज किया जिसने कम्युनिस्ट रियासत के क्याम की राह हमवार की। तो हमने डिस्कस किया है यूरोपियन हिस्ट्री के पास पेपर 2018 के तमाम क्वेश्चन को। सो इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक और वीडियो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।